ओ हेलो पक फैंस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पोकेमास्टर पे वापस से स्वागत है। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में टॉप 5 टाइप पोकेमोन के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो ताकि मैं और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको पता चल सके। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि इस लिस्ट पर मैंने कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन्स को नहीं जोड़ा है। तो गाइज, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे। फाइव पोकेमोन आते हैं जिसका नेम है आर्केनाइन, जो कि जनरेशन 1 का पोकेमोन है। अब इसके पावरफुल एंड स्पेशल मूव्स को देख लेते हैं, जो कि है बर्न अप, फ्लेयर ब्लिज, टैग डाउन, फ्लेयर रोज, फ्लेम थ्रोन जैसे कुछ पावरफुल मूव। तो गाइस, अब हम इसके एवोल्यूशन चार्ट को देख लेते हैं। तो ये पोकेमोन के पास अपने 2 स्टेज होते हैं एवोल्यूशन के लिए, जिसका फर्स्ट स्टेज है ग्रोलिट, जो कि देखने में कुछ ऐसा दिखता है, और इसका सेकंड स्टेज है जो कि आर्केनाइन, और वो कुछ ऐसा दिखता है, आप तो इसे देख ही रहे हो। तो गाइस, अब हम अपने लिस्ट के टॉप 4 पोकेमोन के तरफ आते हैं, जिसका नेम है मैगमोटोर, जो कि जनरेशन 4 का पोकेमोन है। अब इसके पावरफुल मूव्स को देख लेते हैं, जो कि है फायर ब्लास्ट, फ्लेम थ्रोन, हाइपर बीम, फायर पंच, थंडर पंच जैसे कुछ पावरफुल मूव्स। तो अब हम इसके एवोल्यूशन चार्ट को देख लेते हैं, जो कि ये पोकेमोन 3 स्टेज पे इवॉल्व होता है, जिसका फर्स्ट स्टेज होता है मेगबी, जो कि कुछ दिखने में ऐसा दिखता है, और इसका सेकंड स्टेज है मैगमार, जो कि कुछ दिखने में ऐसा दिखता है, और इसका थर्ड स्टेज है मैगमोटोर, जो कि कुछ दिखने में ऐसा दिखता है, आप तो इसे देख ही रहे हो। तो गाइस, अब हम अपने लिस्ट के टॉप 3 पोकेमोन के तरफ बढ़ते हैं, जिसका नेम है ब्लेजिकेन, और ये पोकेमोन जनरेशन 3 का पोकेमोन है। अब हम इसके पावरफुल मूव्स को देख लेते हैं, जो कि है हाई जंप किक, फ्लेयर ब्लिज, ब्रेव बर्ड, ब्लेज किक जैसे कुछ पावरफुल मूव्स। अब हम इसके एवोल्यूशन चार्ट को देख लेते हैं। तो गाइस, इस पोकेमोन के पास अपने 3 एवोल्यूशन स्टेज है, जो कि इसका फर्स्ट स्टेज है टॉर्चिक, जो कि कुछ दिखने में ऐसा दिखता है। तो गाइस, इसका सेकंड स्टेज है कम्बस्किन, जो कि कुछ दिखने में ऐसा दिखता है, और ये अपने थर्ड स्टेज पे आने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, और इसका नेम है ब्लेजिकेन। तो गाइस, अब हम अपने लिस्ट के टॉप 2 पोकेमोन के तरफ बढ़ते हैं, जिसका नेम है इन्फर्नेप, जो कि जनरेशन 4 का पोकेमोन है। अब इसके पावरफुल एंड स्पेशल मूव्स को देख लेते हैं, जो कि है फ्लेयर ब्लिज, क्लोज कॉम्बैक, फ्लेम व्हील, आर्कोबेटिक टाइप के कुछ पावरफुल मूव्स। तो गाइस, अब हम इसके एवोल्यूशन चार्ट को देख लेते हैं। तो इसके पास भी 3 एवोल्यूशन स्टेजेस हैं, जिसका फर्स्ट स्टेज है चिमचार, जो कि कुछ दिखने में ऐसा दिखता है, और चिमचार अपने सेकंड स्टेज पे आने के बाद बन जाता है मोनफेरनो, जो कि दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, और ये अपने थर्ड स्टेज पे आने के बाद बन जाता है इन्फर्नेप, जो कि कुछ दिखने में ऐसा दिखता है। तो गाइस, अब आप दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि हमारे लिस्ट का टॉप 1 पोकेमोन आने वाला है, जिसका नेम है चारिजार्ड, और वो जनरेशन 1 का पोकेमोन है। और इसके पावरफुल एंड स्पेशल मूव्स को देख लेते हैं, जो कि है फ्लेयर ब्लिज, इन्फेर्नो, फ्लेम थ्रोन, हीट वेव एंड सास्मिक टॉस जैसे कुछ पावरफुल मूव्स। तो अब हम इसके एवोल्यूशन चार्ट को देख लेते हैं। इसके 3 एवोल्यूशन स्टेजेस है, जिसका फर्स्ट स्टेज है चार्मेंडर, जो कि दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस, ये अपने सेकंड फॉर्म में आने के बाद बन जाता है चार्लीमियन, जो कि कुछ दिखने में ऐसा दिखता है। तो गाइस, ये पोकेमोन फाइनली अपने थर्ड स्टेज पे आने के बाद बन जाता है चार्जार्ड, और इसके पास मेगा एवोल्यूशन एंड गीगा एवोल्यूशन जैसे कुछ एवोल्यूशन भी है। तो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, और साथ ही साथ कमेंट में मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वीडियो के तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, अभी के लिए बाय।